बयान दिया गया है तो प्रतिक्रिया भी सामने आई है। नवाज शरीफ के बेहद करीबी तारिक अजीम के बयान पर बीजेपी का गुस्सा साफ नजर आया। शिवसेना ने भी पाकिस्तानी नेता पर सीधे पलटवार किया। कायम को सबक सिखाना बेहद जरूरी है। नरेंद्र मोदी पर तारिक अजीम के बयान के बाद इंडिया न्यूज के शो टुनाइट विद दीपक चौरसिया में बीजेपी के नेता नलिन कोहली ने इस बयान पर कड़ा एतराज जताया। इन्होंने हाफिज सईद, जिसको एक प्रोक्लेम्ड टेररिस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा है, उसको नरेंद्र मोदी जी, जो इस देश के इलेक्टेड और किसी कोर्ट के द्वारा, हमारे यहां प्रक्रिया पूरी चल रही है, मतलब इस प्रकार के इन्होंने अपशब्द कहे और तो मैं कह ही नहीं सकता, कंपेयर जो कर दिया, इस बात से भी स्पष्ट है ये खुद स्वयं चाहते हैं कि यहां माहौल ऐसा हो। लास्ट बात जो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो मुसलमानों के लिए, भारत के मुसलमान जो है उनको पाकिस्तान से सीख कतई नहीं चाहिए। एक व्यक्ति भी पाकिस्तान के इतने साल हो गए बने हुए, भारत से मुसलमान बाहर नहीं गया है और ना जाएगा। भारत पे मुसलमानों हिंदुओं हमें गर्व है, हमारे देश पर और हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप। हम आपस में कुछ भी कह सकते हैं लेकिन ये देश को कंपेयर ही नहीं कर सकते। पाकिस्तान जो है कंट्रोल अपने आप उसका अंदर किसका है नहीं है हमें क्या लेना देना। हमारी एकमात्र ऑब्जेक्टिव ही होनी चाहिए हम अपने आप को मजबूत करें, पाकिस्तान अपनी चिंता करे, भारत अपनी चिंता करे। अरे ये आप तो मुख्यमंत्री की तुलना एक आतंकवादी से कर रहे हैं, नलिन कोहली के ऊपर आप लोग कुछ नहीं कर रहे। कुछ नहीं आने वाला, आपके मुख्यमंत्री की तुलना निंदनीय, कंप्लीटली निंदनीय, रिजेक्ट कर रहा हूं। और मैं कह रहा हूं यदि ये नरेंद्र मोदी जी के लिए ऐसे अपशब्द कर रहे हैं, ये वो दिन दूर नहीं है जब इनको अपनी तुलना खुद अपने पॉलिटिशियंस की किन किन से करना पड़ेगा। हम लोग उस अपशब्द में नहीं करेंगे, निंदा करते हैं। वहीं शिवसेना के प्रेम शुक्ला ने इस पर कड़ा एतराज जताते हुए पाकिस्तान को सबक सिखाने तक की मांग कर डाली। अगर यही रस्म हो तो ये रस्म बदल दी जाए, अब ये रस्म तोड़ दो, पाकिस्तान को घेरो और उसको सबक सिखाओ। कांग्रेस नेता मीम अफजल ने तारिक अजीम की तरफ से नरेंद्र मोदी की तुलना आतंकी हाफिज सईद से किए जाने के दौरान भारतीय मुसलमानों को सताए जाने जैसी बात पर उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी। किसी दूसरे मुल्क को इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और हमारे मामले में मदाखलत की जरूरत नहीं है। मैं बहुत सफाई के साथ ये बात कहना चाहता हूँ तारिक साहब को, आप पहले अपने यहाँ की फिक्र करें। मेरा ख्याल है आपके यहाँ जो, यहाँ तो आप किसी भी कह सकते हैं, दो चार बड़े धर्म है, कहीं इख्तलाफ हो सकता है। खुद पाकिस्तान के अंदर तो सारे ही मुसलमान हैं लेकिन मस्जिदों में बम फट रहे हैं, शिया हजरात के ऊपर वहां पर हमले हो रहे हैं, इतना वहां पर जो चल रहा है आपको उसकी पहले फिक्र करनी चाहिए। तारिक अजीम के नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान के बाद इंडिया न्यूज के शो टुनाइट विद दीपक चौरसिया में माहौल गर्मा गया। आप पाकिस्तान को हिंदुस्तानी मुसलमानों से जोड़ने की साजिश, जो काफी देर बाद शांत हुआ।